असल वेलकम बैक टू मई YouTube चैनल आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है ये तो आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग चुका होगा आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान में हैं और वो पढ़ना चाहते हैं यूरोप की किसी भी चीप कंट्री में तो अगर मैं बात करूँ तो मैं मौजूद हूँ अभी इस वक्त इटली में मैं दो में आया था इटली में और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है पॉली दी और मैंने यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इंजीनियर एंड मैनेजमेंट में तो अगर बात की जाए एप्लीकेशन की तो अप्लाई करना बहुत आसान है बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो लोग लड़का लड़कियाँ है, जो हैं वो कंसल्टेंट के चक्कर में पढ़ते हैं वो मुँह फाड़ के दो से तीन से चार लाख रुपया मांग लेते हैं करते है, कुछ भी नहीं काम आपने ज़रा कुछ करना होता है बस गाइड करते हैं तो वो जो गाइड वो करते हैं वही गाइड मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ आप अपने पैसे बचाएं अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और अप्लाई करें खुद आसान है बहुत आसान है जैसे मैंने किया आप भी कर सकते हैं अगर अप्लाई करने की बात की जाए तो अप्लाई करने से पहले आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ वो आपके पास लाजमी होने चाहिए तो सबसे पहले आपका आएगा पासपोर्ट उसके बाद आपका आएगा आइल्स उसके बाद आपके आएंगे सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक uh, के एफएससी के और बैचलर्स uh, के जो डिग्री है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट उसके बाद आपके आएंगे सीवी, उसके बाद आपका आएगी कोर्स आउटलाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है uh, और बस ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपकी एक पिक्चर चाहिए ये आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अप्लाई करेंगे uh, आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपने अब अप्लाई करना है अप्लाई करने के लिए आपने जाना है गूगल पे लिखना है अपलाई पोलिटो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ पे क्लिक करके आप सीधा जा सकते हैं वहाँ पे फिर उसके बाद आपने अपनी रिस्पेक्टिव डिग्री सेलेक्ट करनी है अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं और या मास्टर्स कर रहे हैं अच्छा मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ मैं ज़्यादा फोकस मास्टर्स पर करूँगा बैचलर्स वालों का भी सेम ही तरीका है लेकिन मैं बैचलर्स वालों को फोकस इस वजह से फोकस नहीं कर रहा क्योंकि Uh, पिछले तीन से चार साल देखे जाएँ तो बैचलर्स वालों का जो वीज़ा रेशा है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स तो मैं ज़्यादातर फोकस मास्टर्स वालों को ही करूँगा तो बाकी माइनर से चेंजेस हैं डॉक्यूमेंट्स में तो वो मैं आपको साथ हाईलाइट कर दूँगा तो वो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है तो बात कर रहे थे हम के अप्लाई लिटो पर जाएंगे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपने वहाँ पे जाके करना है कानी पे क्लिक मैं यहाँ पे साइड एक लगा दूँगा एग्जांपल टेम्पलेट साथ जैसा भी टेम्पलेट होगा वो लगा व वो जाकर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है आपको एक कोड आएगा पासवर्ड वगैरह वो आपने रजिस्टर करके आपने इंटर करना है इंटर करने के बाद आपको फिर आपको ले जाएंगे वो मेन पे कुछ ऐसा दिखेगा ये साथ आप देख सकते हैं तो आप जब मेन पे जाएंगे उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपका होगा आपने अपने डालने हैं सारे पर्सनल डाटा पर्सनल डाटा में आप अपना नाम वगैरह पासपोर्ट अपना क्या सकते हैं फ़ोन नंबर आपका होम तो एड्रेस शनाख्ती कार्ड पर है ये सारी चीज़ें आपने डालनी है उसके बाद एक ऑप्शन होगा कोर्स ऑफ कंप्लीट स्टडी तो इसमें ये आपके जो आपके जो पुराने सर्टिफिकेट्स हैं ना जैसा कि आपकी मैट्रिक आपके एफ एस सी अगर आपने डिप्लोमा किया वो और अगर आपने बैचलर्स कर लिया वो तो जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए तो मैट्रिक और एफ एस सी के ही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे और जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एफ एस सी और अपना बैचलर्स का जो डाटा है ना वो उन्होंने इस मतलब इस पोर्शन में आपने डालने हैं। ये डालने के बाद फिर आपसे पूछेगा लैंग्वेज स्किल के बारे में लैंग्वेज स्किल में आपने डालना है आइल्स मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका आइल्स होना चाहिए मिनिमम सिक्स बैंड उससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है और जिसने टोफल किया जो जो है जो भी रिस्पेक्टिव इंग्लिश प्रोफिशंसी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जिन्होंने जो जो किए हैं वो आप डाल सकते हैं ये चीज़ें करने के बाद फिर आप जाएंगे चूज़ द पाथ के ऊपर चूज़ द पाथ में आपने क्या करना होता है चूज इसमें आपने ना कोई से दो कोर्सेज सेलेक्ट करने होते हैं तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपकी जो पास्ट एजुकेशन है ना आया वो प्री इंजीनियरिंग फील्ड में है या आपने यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की भी है तो उसी के मुताबिक ही चुने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बेस्टर्स में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है या आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो कोशिश यही करें कि आप इन्हीं फील्ड से ही रिलेटेड जो है कोर्सेज़ को सिलेक्ट करें इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है अटैचमेंट्स पे अगर बात की जाए अटैचमेंट की अटैचमेंट वाले सेक्शन की तो उसमें आपने फिर सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट करना है उसके बाद अपने आइल्स करना अपलोड करना है उसके बाद आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्म में उसके बाद आपने अपना कोर्स आउटलाइन जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपलोड करनी है मैं यहाँ साइड पे लगा दूँगा कि कैसे अपलोड करनी है तो ये आपको ईजी ईजी रह जाएगा मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे ईजीली ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपने जाना है समरी एंड कन्फर्मेशन के ऊपर समरी फिर वो आपको दिखाएंगे अच्छा ये आपने सारी चीज़ें अपडेट की हैं इनको देखें कोई गलती मिस्टेक तो नहीं है अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है सब चीज़ें तो आपने जाना है नीचे कुछ सर्वे होगा उसको टिक करके आपने अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना है और बीस चेरों पे करने हैं और आपकी समरी जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी मैं फिर दोबारा रिपीट करता जाऊँ ये मैं सारा प्रोसीजर जो है स्पेशली मास्टर्स वालों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ रीज़न मैंने पहले बता दिया मैं क्यों कर रहा हूँ बाकी अगर बेस्टर्स वाले करना चाहें तो सिम मतलब सेम एज़ इट इज़ है बस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेंज आया मतलब वो उनको सी भी नहीं चाहिए क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे सी भी नहीं चाहिए थी उनके मैट्रिक और एफ के ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं रादर देन बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो उनका कोई सीन नहीं है ये मास्टर्स वालों के लिए ये सब चीज़ें करने के बाद रेटिंग वाले सेक्शन में आपका फिर अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वो आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा मेन पेज के ऊपर वो आपने डाउनलोड करना है फिर नेक्स्ट गेम स्टार्ट होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि फिर आपने वीज़ा के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के पूरी करनी होती हैं और आपने डी भी बनानी होती है हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अप्लाई करने के बाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लाजमी लेनी है वो सेकेंड प्रोसीजर करना है इसके बाद इस सारे प्रोसीजर के बाद वो सेकेंड नंबर पर करना है आपने जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपने वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है आपने अपना एडमिशन लेटर जो आपको रिसीव हुआ होगा मोर मोर लेस वन मंथ के बाद वो आ जाता है वो आपने अपलोड करना है साथ अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं मतलब अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपनी डिग्री अपने एफएससी के डॉक्यूमेंट्स और अपने मेट्रिक uh, के डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने फॉरवर्ड करना है तो फिर आपको एम्बेसी मेल करेगी आपके ई मेल पे जो आपने मैंशन किया होगा कि इस दिन आपका इंटरव्यू है सॉरी uh, इस दिन आप जैरित जाएं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं और उसके बाद फिर जब डेयरी में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो वो आपको कॉल करेंगे या ई करेंगे कि आज आपका इंटरव्यू है तो आपका इंटरव्यू दे दें खैर वो अभी बाद में आएगा मैं आपको डिटेल से बताऊँगा तो जी अब बात करते हैं डी ओ वे की ये चेक लिस्ट मैं साइड पर लगा दूंगा आप भी इसको देख सकते हैं तो सबसे पहले आपने जो है वो बैचलर्स की डिग्री जो है उनकी तीन तीन कॉपीज़ को अटेस्ट कराना है कहाँ कहाँ से टेस्ट कराना है सबसे पहले आप अटेस्ट कराएंगे अच्छी चीज़ें अच्छी सी से जब अटेस्ट हो जाएगी फिर वो जाएगी फ़ॉन ऑफ़िस फ़ॉर ऑफ़िस से टेस्ट होगी याद रखें आपने क्यू आर कोड लाजमी लगवाना है और उसको वहाँ पर स्कैन कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर वजह होता है कि स्कैन नहीं होता तो वो इम्बैसी प्रॉब्लम करते हैं आपने फ़ॉर अफेयर से भी टेस्ट करवानी है और उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन से भी अटेस्ट करवा लेनी है और उनकी जो है डॉक्यूमेंट्स की आपने ट्रांसलेशन भी करवानी है ट्रांसलेशन के लिए आप जा सकते हैं अवंती ट्रांसलेटर्स हैं ये एफिलेटेड हैं या कौन सा वाले हैं वो भी एफिलेटेड हैं बाकी भी काफ़ी सारे हैं वो आप गूगल से देख सकते हैं तो ये करवाने के बाद सिर्फ़ आपने औरिजनल्स करवाने हैं औरिजिनल्स हमेशा बैक साइड पे होते हैं फ्रंट साइड पे कभी नहीं होते क्योंकि अक्सर का जो होता है कि गलती हो जाती है लड़े बच्चे गलती कर लेते हैं कि वो फ्रंट साइड पर करवा लेते हैं ये ये हरगिज़ नहीं करवाना बैक साइड पर करेंगे ये डन उसके बाद फिर आप आ जाएंगे अपनी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो आपकी बैचलर्स की है ट्रांसक्रिप्ट उसको भी आपने सीते ही करना है एच से करवाना है आपने अटेस्टेड उसके बाद फॉर्न ऑफिस से टेस्ट करवाना है फिर उसकी ट्रांसलेशन करवानी है उसके बाद आप आ जाएंगे अपने हायर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट्स हैं से ना फॉर एग्जांपल आपने एफ की हुई है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है हाँ जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो अपना इक्वलेंस सर्टिफिकेट बनाएंगे जाके आई बी, से, आई बी से तो वहाँ से बना के वो बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही है तो आप जाएंगे फॉर एग्जांपल मेरे वक्त में मैंने फेडरल बोर्ड से किया था अपना इंटरमीडिएट तो मेरे एफ के डॉक्यूमेंट्स पहले मैं लेके गया था फेडरल बोर्ड वहाँ से वेरीफाई हुए थे वेरीफाई होकर उन्हें उन्हें मेरे ही थ्रू आई -सी -सी भेजे थे कि आप जाके आप इनको टेस्ट करवा लें वो मैंने अपने मैट्रिक और एफ के जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे मतलब वो रिज़ल्ट कार्ड ही था उसको मैंने बैंक से टेस्ट करवाया था उसके बाद मैंने उनकी ट्रांसलेशन करवाई थी वो इटालियन लैंग्वेज में कंस मैंने अवंती अवंती से करवाई थी अवंती ट्रांसलेटर ब्लू एरिया में है तो वो करवा के उसके बाद मैं फिर गया था फ़ॉरन ऑफिस सेम वही टेस्ट करवाई क्यू आर कोड लगवाया उसके बाद आपका डोमिसाइल अब डोमिसाइल के में ये होता है कि डोमिसाइल आपने उसकी भी तीन कॉपीज़ करवानी है आ, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एफ उसकी भी तीन कॉपीज़ उसके बाद आ, आ, आपका जो मैट्रिक है उसकी भी तीन कॉपीज़ आपके ट्रांसकेट उसकी भी तीन कॉपीज़ और आपके जो बैचलर्स की डिग्री है आ, उसकी भी तीन कॉपीज़ मैं रिकमेंड करूँगा चार चार करवा लें क्योंकि अपने पास भी एक प्रूफ होना चाहिए तो खैर ये सारी चीज़ें करवा के आपने स्टार्ट में ओरिजिनल ही करवानी है फिर उसके बाद आप अपनी कलर फ़ोटो कापीज़ करवा सकते हैं ये नहीं कि आप कॉपीज़ करवाएं उनको बेटाज़ कराएं नहीं ये नहीं करना आपने अपनी सारी ओरिजिनल्स कप करवानी है फिर उसके बाद उसकी कलर फ़ोटो कापीज़ आप अच्छी सी करवा के अपने पास रख लें चार चार कलर फ़ोटो कापीज़ करवानी है तो उसके बाद डोमिसाइल पे आ जाते हैं डोमिसाइल आपका जो है उसको आपने है, उसकी भी ब्लैक एंड वाइट तीन तीन कॉपीज़ करवानी है उनको नोटराइज करवाना है नोट पब्लिक से वो स्टैंप लगाएंगे आपकी वो आपका हो जाएगा उसके बाद पासपोर्ट पे आते हैं पासपोर्ट का भी इसी तरह है पासपोर्ट को आपने करवानी है कलर फोटो कापीज़ मेरे वक्तों में तो ब्लैक एंड वाइट भी चल जाती थी जा लेकिन आज आप कलर फोटो कापी उसका फ्रंट पेज और उसका जो सिग्नेचर वाला पेज है उसको आप करवा के आ, कलर फोटो कापीज चार उसको नोटराइज़ करवाना है आपने ये डी के सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी और आपका जो एक और लेटर है एडमिशन लेटर वो आपको लाजमी चाहिए होगा और इसमें सेवन पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ है अथॉरिटी लेटर अथॉरिटी लेटर मतलब यह है कि कोई बंदा आपके बिहाफ़ पे जा रहा है तो उसको देंगे और वो आपके बिहार पे वो सारे काम करवाएगा तो डीओवी से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अगर आपको कोई मसला मसाइल होता है तो कमेंट बॉक्स नीचे मौजूद है आप कमेंट कर सकते हैं मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा और आपको ईजिली गाइड कर दूँगा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती फॉरन ऑफिस की बात करता जाऊँ आप सारे सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें उसके बाद एंड स्टेप पे आप फ़ॉरन ऑफिस जाएँ और अपने सारे जो हैं क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उनको अटैच करवाएँ या नहीं कि बार बार चक्कर लगाएँ उस उन तो चीज़ों से बचें बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करें मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर करें और उसके बाद फिर एंड पे आप फ़ॉरन ऑफिस जाएँ क्योंकि एंड एंड स्टेप ही आप फॉरन ऑफिस उसके बाद फिर अपने बैसी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रजेंट करने होते हैं अब बात करते हैं स्टडी वीज़ा की मैं डी का भी लिंक नीचे डाल दूंगा उस चेक लिस्ट का भी और इस चेक लिस्ट का भी लिंक डी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप इजीली वहां से देख सकते हैं और उससे गाइडेंस ले सकते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म वो इस चेकलिस्ट में लिंक है उन पर क्लिक करेंगे आप ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं दूसरे स्टेप पर आ जाएँ तो आपकी टू रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दस से सोलह जो है ना अपने फोटोग्राफ्स अपने पास रखें वाइट बैकग्राउंड में और उनको बैक साइड पर बैक बैक साइड पर नोटराइज करवा लें बस ये इनफ है पूरे आपके वीज़ा प्रोसेस में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इवन दो आप अगर आपका वीज़ा लगता है यहाँ पर तो आप आके यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई इशू नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दस से सोलह जो हैं अपनी वाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ्स अपने पास रखें तो उसके बाद आपका होगा जी पासपोर्ट पासपोर्ट की बात करें तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए दो साल के लिए वैलिड मिनिमम दो साल के लिए वैलिड होना चाहिए क्योंकि अप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत लंबा है और टाइम काफ़ी कंज्यूमिंग है तो बेहतर यही है कि आपका मिनिमम जो है वो पासपोर्ट जो है वो दो साल के लिए वैलिड होना चाहिए चौथे पॉइंट में कहता है कि एक्सेप्टेंस लेटर अब एक्सेप्टेंस लेटर कौन सा है जो आपको एप्लीकेशन के बाद जो रिसीव होगा ना मोर मोर देन वन मंथ के बाद तो वो आपका एडमिशन लेटर होगा उसके बाद अगर पाँच छः पॉइंट की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि प्री इनमेंट अगर रिक्वायरमेंट है रिक्वायर्ड है तो आपको प्री इन करना होगा और वो फॉर्म तो ये वाला वो वाला फॉर्म है जब आप यूनिवर्सिटी पे जाएंगे ना तो वहाँ पर अपनी प्री इनमेंट करेंगे तो वो वो वाला जो फॉर्म होगा ना वो आपने इससे से फाइव पॉइंट जो जो फिफ्थ पॉइंट है ना उसके ऊपर लगाना मतलब वो रिक्वायर्ड है वो इस फिफ्थ पॉइंट में वो मांग रहे हैं उसके बाद छठे पॉइंट की बात की जाए तो आ, अगर इंट्री टेस्ट की डेट है मास्टर्स में तो इंट्री टेस्ट होता नहीं है बैचलर्स में होता है तो अगर बैचलर्स की कोई इंटरी डेस्ट इंट्री टेस्ट डेट है तो वो आपने मेंशन करनी होती है मास्टर्स वालों के लिए ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके बाद सातवां जो है जो मैंने आपसे करवाया आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके फिसी आपके मैट्रिक आपका बैचलर्स की सारी डिग्री डिग्रीज आई बी सी सी से और एच ई सी बैचलर्स वालों के जो बैचलर्स की डिग्री थी उन सबको आपने वो इसी में साथे इस हाथ इसमें यही बता रहा है कि आपने उन सबको अटेस्ट करवाना है और उनकी तीन तीन फोटो कापीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करनी है फिर आठवें पॉइंट में डी ओ वी के बारे में बात कर करा है वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपके प्रिपेयर करवाए हैं डी ओ वी में वो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने वहाँ उनको प्रोवाइड करने हैं और नवे स्टेप में आपने जो है अगर आपकी ट्यूशन फ़ी रिक्वायर्ड है तो जो आपने पे की हुई है तो उसकी रिसिप्ट इनिशियली तो ट्वेंटी यूरोज होते हैं अभी इस साल क्या हुआ है कोरोना के बाद अब बच्चों को फ़ी पे करनी होती है अगर मतलब ऑनलाइन प्रियमेंट करवा के उनकी फ़ी पे होती है तो उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको लाजमी लगानी होती है Uh, अगर अगर आप टाइम से पहले आ जाएं इटली में फॉर एग्जांपल सेशन स्टार्ट होने से पहले मतलब सेशन स्टार्ट होता है आपका अक्टूबर से तो अगर आप उससे पहले आ जाएं, तो अक्टूबर या नवंबर में भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं है uh, ये आप लोगों को अकोमोडेट करेंगे अगर आपको वीज़ा दे रहे हैं तो ऑबियसली आपको अकोमोडेट करेंगे आपकी सारी अप्लीकेशन मतलब ट्यूशन फी देने की अगर किसी ने पे नहीं की या अभी पे नहीं कर सकता जो भी है तो वो आप यहाँ पे भी आके पे कर सकते हैं हाँ अगर आप लेट होते हैं या कुछ इस तरह का मतलब इस्लामाबाद एम्बेसी वगैरह जो जौन सी भी एम्बेसी है में, कंट्री में पाकिस्तान में अगर वो लेट करती है तो वो जो आपने फी पे की होगी तो उसकी रिसीप्ट जो है वो लाजमी आप, आपने अटैच करनी है तो उसके बाद दसवें पॉइंट में तो सबसे पहले वो बात करा है एफिडेविट बाय स्पॉन्सर एफिडेविट बाय स्पॉन्सर ये मैं साथ लगा दूंगा इसका टेम्पलेट ये आप देख सकते हैं आपने हंड्रेड रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने सारी डिटेल लिखवानी है मतलब मेरे वक्त में मेरे फादर स्पॉन्सर थे तो मेरे फादर ने एफिडेविट बनवाया था मैंने मतलब हमने बनवाया था एफिडेविट तो ये हंड्रेड रुपीज़ वाले स्टाम्प पेपर पर आप बनवाएंगे उसके बाद वो नोटराइज होगा ये स्पॉन्सर वाला एफिडेविट यहाँ पे ख़त्म हो गया उसके बाद आपने रिसेंट बैंक स्टेटमेंट विद अलोंग मेंटेनेंस लेटर हमें कहते हैं मतलब मेंटेनेंस लेटर वो होता है कि जो जिस दिन से आपका अकाउंट खुला होता है और ये ओपन होता है और ये एक्टिव होता है इसका मतलब ये उस पर आपकी सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं तो मेंटेनेंस लेटर और आपकी एटलीस्ट वन ईयर की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो मेरे वक्तों में तो इतना कोई सीन नहीं था सात आठ लाख रुपए भी अगर बैंक में होते थे तो काम इजीले हो जाता था तो दो हज़ार पंद्रह की बात करूँ लेकिन अब ये है कि आपको मिनिमम पंद्रह लाख रुपया मिनिमम की बात करूँ मिनिमम पंद्रह लाख उससे ज़्यादा हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है मिनिमम पंद्रह लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए एक्टिव बैंक बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट और प्लस मेंटेनेंस लेटर चाहिए उसके बाद रिलेशनल प्रूफ ऑफ स्पॉन्सर की बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा एफ आर सी इस एफ आर सी को भी आपने मोफा से अटैच करवाना है उसके बाद आपकी टैक्स रिटर्न आपके बाबा की जो स्पॉन्सर है आपको कह रहा है उसकी टैक्स रिटर्न एफ बी आर से बनेगी मेरे वक्त में तो ऐसा सही नहीं था भले वक्त थे लेकिन अब जो है बहुत मतलब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो टैक्स रिटर्न मांग रहे हैं तो टैक्स रिटर्न आपने प्रोवाइड करनी है लास्ट टू ईयर्स की एफ बी आर जाएंगे तो वो आपको दे देंगे क्योंकि उनके पास अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो फाइलर हैं अगर फाइलर नहीं है तो सबसे पहले फाइल अपने आप को फाइलर करवाएंगे उसके बाद फिर टैक्स रिटर्न जो है वो पास्ट वीक पास्ट टू ईयर्स की आप प्रोवाइड करेंगे उसके बाद है एडिकेट प्रूफ ऑफ इनकम उसमें आपके बाबा की पे स्लिप्स आ जाती हैं अगर आपके बाबा रिटायर हैं तो आपके पेंशन स्लिप्स वगैरह आ जाती हैं ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है अगर एलेवन पॉइंट पे आ जाएं तो वो कहता है कि आपका वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपने आयल्स लेना है तो वो दो साल के लिए वैलिड होता है जिस दिन आप डे आप एग्ज़ाम देते हैं उस दिन से ले कर दो साल तक आपका जो रिज़ल्ट होता है आइल्स का वो वैलिड होता है उसके बाद आपका हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एफ तो वो आपको चाहिए होगा वो भी आपने मैंने आपको बताया कि वो फर्से टेस्ट होगा उसके बाद आपका जो है थर्टीन नंबर पर बात करा है थर्टीन नंबर पॉइंट पे एडिकेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली मतलब इसमें आपके होटल रिजर्वेशन की बात कर आपने कौन सा होटल रिज़र्व किया तो बुकिंग डॉट कॉम से आप डमी टिकट बनवा सकते हैं डमी रिज़र्वेशन करवा सकते हैं उसका प्रिंट आपको चाहिए होगा उसके बाद फ़्लाइट बुकिंग राउंड ट्रिप की वो भी डमी टिकट बन सकती है और उसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है वो भी डमी बन ट्रैवल इंश्योरेंस आपने करवानी होती है वो डमी नहीं होती आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होती है तो जिससे आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते हैं वो आपकी डमी टिकट और आपकी डमी बुकिंग भी बना देता है तो लेकिन ये काम जो आपने करने हैं तकरीबन ये जो थर्टीन से फिफ्टीन पॉइंट्स हैं थर्टीन से लेकर फिफ्टीन पॉइंट तक ये आप जब आपको जरी बुलाएगी तो जरी आपको तीन से चार दिन का टाइम देती है तो उन्हीं दिनों में आप जो है वो अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं ये मैक्सिमम एक एक दिन लगता है मैक्सिमम तो आपका ये काम हो जाता है तो ये वीज़ा एप्लीकेशन चेक लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर जब आपको जरी बुलाएगी एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ ले के जाने हैं और आपने फ़ी भी ले जानी है अभी रिसेंटली एक दोस्त ने तेईस हज़ार कुछ पे किया है लेकिन अब अब नेक्स्ट ईयर क्या हिसाब किताब होता है डॉलर का रेट क्या होता है ये सारी चीज़ें रिलई करती हैं उसके ऊपर तो ये आपने फी भी जमा करानी है वीज़ा एप्लीकेशन के वक्त तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको एम्बेसी कॉल करेगी आया अगर उनको लगा कि यस वी हैव टू टेक हिज़ हिज़ और हर इंटरव्यू तो वो फिर आपको बुलाएंगे और आपका इंटरव्यू करेंगे तो उसके बाद आपकी फ़ाइल को सबमिट करके फिर आपको वेट करना होगा तीन से चार मंथ मिनिमम तो फिर अगर आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता फिर ये आपकी इलाके है और दो इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं आपने अपना पोलियो सर्टिफिकेट भी बनवाना है और आपने अपना जो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है अपने रीजनल एरिया में जो भी बड़ा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके आपने वो बनवाना है और उसको भी फॉरन ऑफिस से टेस्ट करवाना है जी इस वीडियो में मैंने आपको सारी गाइडलाइन दिया अगर फिर भी कोई इशू या कोई मसला मसाइल आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं आपको विदाउट एनी हेजिटेशन आपके मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा कोई भी अगर कन्फ्यूजन होती है उसको मैं दूर करूंगा और कंसल्टेंट से बचें अपने पैसे बचाएं और इस वीडियो को गाइडलाइन बना के अपना सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर करें इन आप आप कर सकते हैं मतलब बहुत इजी है कोई मुश्किल है ही नहीं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको मस्त लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो लड़का लड़की चाह रहे हैं बाहर आके पढ़ने का आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और ताकि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके स्कॉलरशिप तो और फी रिडक्शन वगैरह का की बात की जाए तो अगर मुझे इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो या फ्यूचर में अगर मुझे लगा कि यस आई हैव टू अपलोड दीज वीडियोस एज़ वेल तो मैं लाजमी अपलोड करूँगा उसमें भी आपको गाइड करूँगा क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी हैं और यहाँ पे आपकी फ़ी रिडक्शन कैसे होती है ये सारी चीज़ें भी मैं आपको गाइड कर दूँगा थैंक यू सो मच और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हाफिज़